नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको केवीएस की तरफ से भी आने वाली है। हालांकि आप लोगों ने अगर कहीं इससे पहले सूचना देखा होगा वैकेंट पदों का, कुल वैकेंट पोस्ट कितने हैं, तो इसमें आप अभी तक देखे होंगे जो ट्रांसफर वाले पद के बारे में बात किया जा रहा है कि अभी फिलहाल आप सभी को पता होगा कि सारे सरकारी विभागों में जो जून का महीना होता है ट्रांसफर का महीना होता है, और जून में लगभग इस बार तो 4 से 6 जून तक बात किया जाए तो लोकसभा चुनाव में ही व्यस्तता थी। 7 जून के बाद कुछ धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर चालू हुए हैं, तो एक मोटा मोटा माना जा सकता है कि 10 जून से लेकर 30 जून तक सारे विभागों में ट्रांसफर हो रहे होंगे। और जब ट्रांसफर हो रहे होते हैं तब सूचना मांगी जाती है कि आपके यहाँ कितने पद खाली हैं, कितने पद आपके यहाँ भरे हैं, अगर किसी में ट्रांसफर की गुंजाइश है तो क्या भेजा जा सकता है या फिर वहां से बुलाया जा सकता है। ऐसी तमाम सूचनाएं अलग अलग विभागों में, अलग अलग डिपार्टमेंट में आवश्यकता पड़ती है, और उसी से कहीं अलग नहीं है केवीएस। केवीएस में भी ऐसी सूचनाएं आपको देखने को मिली थी। हालांकि न्यू 2024 के बारे में हम लोग संपूर्ण में चर्चा करेंगे। एक मोटा मोटा आपको हिसाब में बता दिया कि आखिर जो इस समय चल रहा है ट्रेंड में, आप लोग कई वीडियोस भी देखे हो, वो किसके बारे में, तो थोड़ा आइडिया आपको लग जाता है। कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज फॉर द एनुअल ट्रांसफर 2024, ये आपका केवीएस की वेबसाइट पे, केवीएस संगठन .nic.in की वेबसाइट पे आप जाओगे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है केवीएस की, और यहां पे अगर आप नीचे आओगे तो यहां पे इस समय ट्रांसफर के बारे में बात किया गया। अच्छा, यहां से जो इंफॉर्मेशन थी ये अगर बात किया जाए, कहां गया आपको मैं दिखाता हूं, तो यहां से जो इंफॉर्मेशन होने आया था टेंटेटिव वैकेंसीज फॉर एनुअल ट्रांसफर 2024, तो एनुअल ट्रांसफर 2024 में टेंटेटिव जो वैकेंसीज थी उसके बारे में कहीं ना कहीं लोगों ने बोला कि ये वैकेंसीज आ रही हैं। हालांकि एक चीज समझिएगा कि अब प्रत्यक्ष रूप से बोले हो या अप्रत्यक्ष रूप से बोले हो, लोगों के कहने में बिल्कुल ऐसा नहीं कि कुछ गलत उन्होंने बोला है, सही है, वैकेंसीज आ रही हैं, लेकिन ये जो वैकेंट पोस्ट हैं ये सीधी भर्ती के वैकेंट पोस्ट नहीं है। ये जो वैकेंट पोस्ट हैं ये आपके किसके हैं, प्रमोशन सॉरी ट्रांसफर वाले हैं। लेकिन एक चीज समझिएगा कि भले ही ट्रांसफर के हैं तो विभागों में ये वैकेंट, ये सीटें वैकेंट कहां है, पूरे केवीएस में अगर केवीएस की बात किया जाए लगभग 10,000 पद से ज्यादा वैकेंट है। टोटल 1255 केवीएस हैं, जिनमें से 25 रीजन जैसे आगरा हो गया, अलग अलग रीजन हो गए, उन रीजन में 1255, एक रीजन में 3 से 4 केवीएस भी हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो टोटल 25 रीजन में टोटल जो केवीएस है 1255 केवीएस हैं, और उनमें भी जैसे एक रीजन होता है, रीजन के अंदर स्टेशन होता है और स्टेशन के अंदर केवीएस होता है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि एक रीजन में 3 से 4 स्टेशन होते हैं और एक स्टेशन पे एक या दो क्या हो सकते हैं, एक या दो आपके केवीएस हो सकते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो 890 स्टेशन में 1255 केवीएस है, और हर केवीएस में कहीं ना कहीं किसी ना किसी पद पे सीट खाली है, जिसके लिए कहीं ना कहीं कुछ आपके हेडक्वार्टर्स और जेडआईटी जोनल जो होते हैं इनमें भी आपकी सीटें वैकेंट है। तो कौन सी सीटें वैकेंट है, सबसे पहले हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं। सीटें जो वैकेंट है आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, हेडमास्टर की या मिस्ट्रेस की, हिंदी ट्रांसलेटर की, जीएसटी की जिसे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट इसे नॉन टीचिंग पद पे आते हैं, लाइब्रेरियन की लाइब्रेरी में, पीजीटी के तमाम सब्जेक्ट पे आप देखोगे जैसे बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इन सब पे खाली है। ऐसे प्राइमरी टीचर की, प्राइमरी टीचर, म्यूजिक प्राइमरी टीचर, यहाँ पे जो जो प्राइमरी टीचर होते हैं, नॉट एप्लीकेबल मतलब किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नहीं, वो प्राइमरी टीचर इन जनरल वाले, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर हो गया, सीनियर सेक्रेटरी एसएससी हो गया, स्टेनोग्राफर के ग्रेड 1-2 के हो गए, उसके बाद आपके टीजीटी डिफरेंट सब्जेक्ट हो गए, टीजीटी आपके एजुकेशन के हो गए, फिर टीजीटी संस्कृत हो गए, सोशल साइंस हो गए, और फिर आपके टीजीटी वर्क एजुकेशन हो गए। तो टीचिंग नॉन टीचिंग सब मिला के अगर टोटल पदों की संख्या बोली जाए, और इन सारे वैकेंसी अगर मैं यहाँ पे आपको स्निप लगाया हूं कि किस प्रकार से वो निकल के आया है, शायद यहाँ पे है नहीं, अगर आप इस वाले पीडीएफ को डाउनलोड करोगे तो आपको पता चल जाएगा, अभी मैं आपको लास्ट में दिखा देता हूं। तो ओवरऑल 10,000 से ज्यादा पद आपके नॉन टीचिंग और टीचिंग पद पे आ रहे हैं। इनमें टीचिंग पद पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तो मुख्यता है, इसी पीआरटी में ही साथ में मैं म्यूजिक वाले को भी बता रहा हूं, टीजीटी के सारे विषय, इसमें वर्क एजुकेशन वाले भी और पीजीटी के भी सारे विषय, तो सभी को अगर मिला लिया जाए तो 10,000 से ज्यादा जो एक अनुमान है कि 10 से 12,000 ओवरऑल वैकेंसी केवीएस की आने वाली। एक बात समझिएगा, केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, ईएमआरएस हो गया, ये ऐसी संस्थाएं जो प्रत्येक वर्ष तो नहीं लेकिन हर दूसरे साल वैकेंसी जरूर देती हैं। तो इससे पहले जो वैकेंसी आई थी वो 2023 के इनिशियल में आई थी, आप बोल सकते हो 2022 के लास्ट में आई थी। तो 2022 के बाद 2024 का लास्ट, एक बार दूसरा फेज आता है केवीएस का, तो आप लोग तैयार रहना। सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि इनकी वैकेंसीज आएंगी कब, ये तो बार बार हल्ला उठता है। एक बात समझिएगा, बार बार हल्ला उठाने की कोई जरूरत नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूं, केवीएस हो गया, एनबीएस हो गया, ईएमआरएस हो गया,
प्रत्येक साल वैकेंसी नहीं आती, ये दूसरे साल वैकेंसी आती है, पहली बात ये। और इसमें बहुत गैप भी नहीं होता, ऐसा नहीं कि पांच पांच सात साल का गैप होता है, दूसरे साल वैकेंसी आनी है तो आनी है। तो 2022 के लास्ट में वैकेंसी आई थी, 2023 में इनके एग्जाम वगैरह हुए थे, 2023 लास्ट तक 2024 क्या करते हैं ये लोग इंटरव्यू वगैरह करा के ज्वाइनिंग देते हैं और फिर 2024 के लास्ट तक ये क्या करेंगे, वैकेंसी ला देंगे। तो वैकेंसी का जो सत्र स्टार्ट होता है वो जुलाई महीने में स्टार्ट होता है, जुलाई से लेके आपके सितंबर तक तमाम वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें हो सकता है टीचिंग पद, नॉन टीचिंग पद और भी जितने मिसलेनियस पद हैं सारे के सारे पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। सारे के बारे में आपको सूचना दूंगा एक एक करके मैं, सारे पोस्ट पर टीजीटी के में भी क्या अर्हताएं हैं, क्या एलिजिबिलिटी है इसके बारे में आपको बता दूंगा, पीजीटी में क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन आवेदन कर सकता है, जैसे पिछली बार पीआरटी में बीएड वालों को बाहर कर दिया गया था, दोबारा कट ऑफ भी बना था, कट ऑफ वगैरह क्या जाता है, क्या तैयारी होनी चाहिए। पिछली बार हमने केबीएस पीआरटी का बिल्कुल निःशुल्क बैच चलाया था और आप लोगों ने बहुत जबरदस्त उसका रिस्पांस भी दिया था, उसके लिए आज भी मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। और इस बार भी आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन, इस बार टीजीटी पीजीटी पीआरटी नॉन टीचिंग जीएससी वगैरह स्टेनोग्राफर का सबके मतलब केबीएस एनबीएस ईएमआरएस के लिए टीम परीक्षा प्लस जानी जाती है, तो इसमें नंबर एक क्वालिटी न्यूनतम शुल्क में आपको सब कुछ उपलब्ध करवाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, वीडियो पसंद है लाइक अवश्य कर दीजिए। ये वीडियो केवल इसलिए मैं आपको लेके आया हूं कि आपको बता दूं, हाँ भाई वैकेंसी का बिगुल बच चुका है, अभी ये वैकेंसी ट्रांसफर को है, पर जितनी पद ट्रांसफर के लिए होंगे, सपोज आप ऐसे करिए कि एक जगह से कोई ट्रांसफर होकर दूसरी जगह जाएगा तो वहां फिर से खाली ही तो हो जाएगा, तो ओवरऑल वैकेंट सीटें जितनी वो उतनी रह जाएंगी, ट्रांसफर में कोई बाहर से नहीं आ रहा, बाहर से तब आएंगे जब या तो नीचे के पद प्रमोट होंगे, नीचे के पद प्रमोट होंगे तो जो पूरे पदों का वैकेंट है तो फिर कोई ना कोई खाली हो जाएगा। तो प्रमोशन हो गया या ट्रांसफर हो गया, इसके टोटल मतलब 10,000 में संख्या लिखाऊं, इससे प्रमोशन ट्रांसफर से फर्क नहीं पड़ने वाला, ये भरेगा तभी जब उस पर सीधी भर्ती होगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपका जुलाई से अगस्त के बीच में, जुलाई अगस्त सितंबर में कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो तैयारी यहां से कर दीजिए, आपके बैच के बारे में सबके बारे में एक एक जानकारी मैं दूंगा, जितना आपको कोई भी जानकारी अगर चाहिए, आपको बैच के बारे में चाहिए, किसी एलिजिबिलिटी के बारे में चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य पूछिए, उसका उत्तर मैं आपको भली भांति एक एक बच्चे का एक एक प्रश्न का जवाब मैं अवश्य दूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, वीडियो को पसंद आए लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ साझा भी अवश्य करिएगा। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।